बस वही और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की की अटेंशन कैसे पाएं, क्या करेंगे लड़की आपको अटेंशन देने लगे। क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत के लिए, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या किसी भी फील्ड में, ये जरूरी है कि पहले आप उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचे, तभी वो इंसान आपको इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप लड़की के अटेंशन को खींच सकते हो, ताकि उसका इंटरेस्ट आपको लेकर बढ़ने लगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि डोंट शो ऑफ, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को शो ऑफ नहीं करना कि आप किसी लड़की को लाइक करते हो, ठीक है। इस चीज का गाना नहीं गाना है कि हाँ आप उसे पसंद करने लगे हो, क्योंकि कुछ कमीने दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आपकी ये बात हजम नहीं होती। उनको ना आपकी ये बात पेट में रखनी, तो उनका पेट फूल जाता है, तो क्या है वो थर्ड पर्सन को बताएंगे, थर्ड जो है फोर्थ को बताएंगे, ऐसे पूरे ग्रुप में वो बात फैल जाती है। और इससे कहीं ना कहीं एक लड़की की बेइज्जती होती है, उसकी इंसल्ट होती है। तो लड़की कभी भी नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए, ऐसे लड़के का टेंशन दे जो उसकी इंसल्ट करता हुआ करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अपनी फीलिंग्स को उस टाइम तक कंट्रोल करके रखें, अपने तक ही रखें, जब तक आप लड़की को अप्रोच ना करें या फिर उसको अपनी फीलिंग्स ना बताएं, ठीक। उसके बाद जाके आप बता सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक एक मतलब जब तक आप खुश हो नहीं हो या फिर आपने लड़की से बात नहीं की, तब तक तो आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखें, ठीक, ताकि वो आपको अटेंशन देना पसंद करें। इसके अलावा दूसरा काम आपको ये करना है कि पहले आप उसे अटेंशन दें, तो जाके आपको उसकी अटेंशन मिलेगी। वो कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो सेम ये चीज आपको लड़की में अप्लाई करनी है। अगर आप किसी लड़की को चाहते हो कि वो आप में इंटरेस्ट दिखाए, आपको अटेंशन देना पसंद करे, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप भी उसको अटेंशन देना पसंद करो। उसे लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी पसंद नापसंद को जानने में आपको अच्छा लगता है। ये सारी बातें आपको उसके साथ करनी है, ठीक। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड अटेंशन दे रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो पसंद नहीं आती, वो बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो लिमिटेड अटेंशन दें, ठीक, थोड़ा सा गैप बनाकर रखें, 24 घंटे उसकी लड़की के लिए अवेलेबल ना रहें। तो इससे हो सकता है कि जो टाइम आप उसे दूर रहने में बिता रहे हैं, उस टाइम में उसे आपके बारे में सोचने का मौका मिले, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी से दूर होते हो तो ही आप उस इंसान के दिमाग में रहते हो, ठीक, ये काम करें। इसके अलावा ह्यूमरस बनने की कोशिश करें। दोस्तों देखो, ये बिल्कुल सच है कि हमें हंसने वाले लोग या हंसाने वाले लोग जल्दी पसंद आ जाते हैं। तो आप ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जो हमेशा हंसते रहते हैं और दूसरों को हंसाते रहते हैं, तो इससे ज्यादा चांस होंगे कि लड़की जो है आपको अटेंशन देना पसंद करेगी। क्योंकि लड़कियों को भी हंसने और मुस्कुराने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, जिनके साथ में वो हमेशा खुश रहे। इसके अलावा नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। दोस्तों देखो, ये बिल्कुल सच है कि जब आप अच्छे दिखते हो ना, ठीक है, तो हर इंसान जो है ना आपको अटेंशन देना पसंद करता है। मतलब हर कोई आपको नोटिस करता है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिल रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पड़ता है, आपके लुक का पड़ता है, आप कैसे लग रहे हो। अगर आप छपरी टाइप के लगोगे तो लड़की आपको अटेंशन नहीं देगी, अटेंशन देगी नेगेटिव में, अटेंशन देगी कि आवारा गर्दी करता रहता है, ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर आप अच्छे लुक में दिखोगे ना, तो वो आपको एक पॉजिटिव वे में अटेंशन देना पसंद करेगी। कहीं ना कहीं सोचेगी कि हाँ ये लड़का जो है बॉयफ्रेंड बनाने के टाइप का है, ऐसे बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, कितना स्मार्ट है, हैंडसम है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे आप लड़की की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकते हो। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।